ये जो वीडियो रहने वाली है क्लास फिफ्थ की है, ठीक है। जैसे आपको पता मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको फटाफट बता देता हूँ कि 25 नंबर का पेपर रहने वाला है, क्लास फिफ्थ का है, हिंदी का। ऐसे मैं मैथ का इंग्लिश से सारे डाल लूँ धीरे धीरे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक करना है ऑल पे, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। मैं चौथी की भी डाल लूँ, अगर आपको कोई भाई है, कज़न, सिस्टर है तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है कि अवकाश प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है। इसमें ये नहीं लिखा कि बीमारी के ऊपर, भाई की शादी के ऊपर, या कोई ज़रूरी कार्य के ऊपर, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखते हैं हम। ये देखिए, अगर आप कोई बीमारी के ऊपर लिखना चाहते हैं तो ऐसे आपको पैटर्न लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नाम श्री प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, जो उसमें क्वेश्चन लिखा है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपना स्कूल का नाम ही लिखना है, यहाँ पे अपना एड्रेस, मतलब दिल्ली में रहते हो गाज़ियाबाद में, तो वो यहाँ पे विषय है बीमारी के ऊपर लिखना है। और यहाँ पे बताना है कि मैं क्या रीज़न है, समझना है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है, मुझे डॉक्टर ने मना करा हुआ है, तो ये सब लिखना है आपको, ठीक है। और जो नीचे है कि अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, यहाँ पे एड्रेस हो गया, डेट हो गई। और अगर आप अपने भाई की शादी के लिए लिख रहे हैं तो आपको ऐसे लिखना होगा सिंपली, यहाँ पे विषय लिखना है शादी में सम्मिलित होने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब जो है ये तो कंप्लीट हो गया। नहीं तो ये जो लेटर लिखा गया है आवश्यक कार्य हेतु के ऊपर, अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि हमें ता लगा कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो उधार का उतार, मित्रता मित्रता, कठोर का कठोरता, ठीक है, ऐसे शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अब समर्थन का सहमति और खूंखार का हिंसक, ये भी कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है पर्यायवाची शब्द जो होते हैं उनके नाम लिखने, स्कूल का, विद्यालय, पाठशाला, शेर का, वनराज सिंह, नदी का, पृथ्वी और सरी, आग का, अग्नि और अंधी, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप जैसे देखोगे कि इनने बोले नन्ना फंकार पाठ में किसने किससे कहा, इसमें जो है केशव ने, यहाँ पे लिखा केशव ने आदमी, क्योंकि तो वहाँ पे आदमी भी था, ठीक है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आप इडली कर सकें, आदमी लिखना आपको नन्ना फनकार पाठ में है, केशव ने आदमी से, ठीक है, से लगाना है, से कहा, फिर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहा था कि मैं 10 साल का हूँ, ठीक है, ऐसे कंप्लीट होगा क्वेश्चन वाला। अब जो सेकंड है, पहाड़ पर चढ़ते हुए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, रस्सी की, लंगर की, हुक्किल, ठीक है, और पानी की बोतल, दस्ताने, खाने की पैकेट, ठीक है, ये सब ले सकते हैं आप इसलिए। अब जो है थर्ड क्वेश्चन है, गुरु ने संकट की घड़ी में अपने चेले के प्राण कैसे बचाए थे, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा लिख देना कि गुरु ने संकट की घड़ी में अपने चेले के कान में कुछ फुसफुसाया, जिसके बाद दोनों आपस में झगड़ने लगे, ठीक है। राजा ने पूछने पर गुरु ने राजा की बताया, गुरु ने राजा को बताया कि इस समय अच्छा मुहूर्त है, और जो भी इस वक्त फांसी पर चढ़ गया और इस प्रकार राजा को मृत्यु हो गई, इस प्रकार गुरु ने अपने चेले के प्राण बचाए। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें यह होली का दिया गया है, होली के बारे में, गणतंत्र के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए होली के बारे में लिखा गया है, सभी के लिए प्रिय होली, खुशियाँ सुख लाने वाला त्यौहार है, होता है ये हर साल हिंदू धर्म द्वारा मनाया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो आप आराम से इडली दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो और देख लेते हैं बाकी आप गणतंत्र दिवस के बारे में लिखें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। होली का करना तो आपको मैंने होली का दिखाई दिया, तो आप इसी वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब, ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो लाऊँ लेटेस्ट, जिससे कि आपकी हेल्प हो जाएगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।